हरे कृष्णा। शिव यानी मंगल, कल्याणकारी। वे शंकर, शंभु, महादेव आदि नामों से भी पुकारे जाने वाले आदिदेव इस भौतिक जगत के नियंता भी हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु, यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार दही दूध से ही उत्पन्न होती है लेकिन दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिव जी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। अन्यत्र वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजो, सत्व तथा तमोगुण द्वारा इस भौतिक जगत की व्यवस्था चलाते हैं। विष्णु तथा महेश गुणातीत है, गुणों से परे हैं, और उनकी अधिष्ठाता में इस जगत की सृष्टि और विनाश होता है, और इसी संदर्भ में उन्हें गुणावतार भी कहा गया है। कई बार ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिवजी तमोगुण से प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता देव वही हैं। तमोगुण के अधीन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर आदि उनके अनुयायी हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु के सहस्त्र नाम में शिव रुद्र स्थानु एवं रुद्र नाम से एक अर्थ ये भी निकलता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार कई शास्त्रों में हम ये भी पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं, परंतु अधिक गहन अध्ययन में हम पाएंगे कि भेद है भी। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद तत्व की संज्ञा दी। तो अब भेद कैसे है? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में वर्णित है कि यह श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार है, और उसी वेदों के सार भागवत में ये वर्णित है कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंभु हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। भागवतम के ही 4थे स्कंद में भगवान शिव रुद्र गीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भी स्त्रोत का पाठ करता है उसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति पाना सहज हो जाता है। वैष्णव परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं, और इस परंपरा के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश करते हुए बताते हैं कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम राम वरानने, अर्थात हे रमा, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम नाम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता। इस प्रकार शास्त्रों के गहन अध्ययन से हम पाते हैं कि भगवान शिव और विष्णु के बीच कोई भेद नहीं है, और शिव जी भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं। श्रीमद् भागवतम के ही 8वें स्कंद में भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के दर्शन हेतु याचना करने पर विष्णु जी ने उन्हें मोहिनी रूप के दर्शन दिए, परंतु हुआ क्या? विष्णु जी ने अपनी माया द्वारा मोहिनी के प्रति शिव जी का आकर्षण उत्पन्न करके उन्हें भ्रमित कर दिया। ये लीला दो श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के बीच का आदान प्रदान है, पर कुछ अपरिपक्व लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिवजी और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा है। ऐसी सोच बहुत ही निम्न कोटि की मानी जानी चाहिए। भगवान कृष्ण की रास लीला में भाग लेने के लिए आतुर भगवान शिवजी ने गोपी का रूप धरा था, और आज भी हम देख सकते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहां उनका श्रृंगार एक गोपी के रूप में होता है। भगवान शिव हर धाम के क्षेत्र पालक के रूप में धाम की रक्षा करते हैं। मथुरा में वे भूतेश्वर महादेव के रूप में हैं। मानसी गंगा गोवर्धन में वे चकलेश्वर महादेव के रूप में है। नंदगांव में वे नंदेश्वर महादेव के रूप में है, तो काम्यवन में कामेश्वर महादेव के रूप में, और श्रीधाम वृंदावन के दिक्पाल हैं गोपेश्वर महादेव जी। गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रीधाम वृंदावन एक प्रमुख स्थान है, और कई गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में हमारे पूर्व आचार्यों द्वारा वृंदावन स्थित गोपेश्वर महादेव की स्तुतियों द्वारा गुणगान हुआ है। श्री नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ जो भक्ति में आने वाले सभी क्लेशों को हरते हैं तथा वृंदावन में भगवत प्रेम सुलभ कराते हैं। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण ने गोकुल में बालक के रूप में जन्म लिया है, तो उन्होंने पार्वती से उनसे मिलने की इच्छा जताते हुए नंदगांव जाने की अनुमति मांगी, और वे पहुंच गए अपने औगढ़ वेश में उनसे मिलने।
यशोदा ने जब देखा कि कोई अघोरी बाबा कान्हा से मिलने आए हैं तो उनके रूप से कहीं कान्हा डर ना जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बाबा ने बिना मिले ना जाने की जिद की और फिर कुछ दूर जाकर बैठ गए। भगवान को भी शिव जी को दर्शन देने की आतुरता थी तो वे भी रोने लगे और ऐसे रोए कि किसी के चुप कराने से भी चुप नहीं हुए। तब किसी ने सलाह दी कि शायद उन बाबा को कान्हा से ना मिलवाने के कारण ये अपशकुन हुआ है और कान्हा रो रहे हैं। तब भगवान शिव को बुलवाया गया और भगवान शिव के कान्हा को स्पर्श करते ही वे शांत हो गए। तब मैया यशोदा जी ने शिव जी से आग्रह किया कि आपके यहाँ आने से हमारा कान्हा रोता नहीं है, इसलिए आप यही रहिए। तब से भगवान शिव नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद महल में रहते हैं। यह अद्भुत लीला हमें दर्शाती है कि भगवान के भक्त की उनसे मिलने की आतुरता ही उनके दर्शन करवा सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव की अनुमति के बिना किसी को भी धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए आइए हम भी भगवान शिव आशुतोष भोले भंडारी से प्रार्थना करें कि कृपया हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर करें और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने में आने वाले सभी बाधाओं को हटाएं, ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।